मथुरा की गोवर्धन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक में ले जाई जा रही अवैध देसी शराब की 130 पेटी बरामद कर दो शराब तस्करों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान भरतपुर के रहने वाले बताए गए हैं। मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार के निर्देश के अनुसार जनपद भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते चेकिंग के दौरान गोवर्धन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर गोवर्धन पुलिस ने राजस्थान भरतपुर से ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध देसी शराब की 130 पेटियां बरामद कर दो शराब तस्करों को भी मौके से दबोचा है। पकड़े गए आरोपी रोहतास ने बताया कि वो ट्रक में भरकर शराब ले जा रहा था, जिसे कोसी थाना इलाके के अजीतपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। जी, क्या नाम है आपको? रोहतास है जी। अच्छा, किस लिए पकड़े गए और कैसे पकड़े थे? मैं जी दारू की गाड़ी लेके आ रहा था। तो लेके आ रहा था तो वहाँ पे कोसी पार करके मेरे को पकड़ लिया। कोसी पार करके ने पकड़ लिया तो तुरंत मैं अपनी गाड़ी में पटक लिया उन्होंने। पटक के मेरे को ले गए, मेरी गाड़ी को खुद चला के ले गए। खुद चला के ले गए? कहाँ से पकड़े थे? कोसी पार करके अजीतपुर के पास। अजीतपुर के पास से? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है अजीतपुर? कोसी को पार करके छाता कोसी के बाद बीच में वहाँ से पकड़ा है आपको जी। अच्छा, ये बताइए, जो आपकी प्लेट थी, नंबर प्लेट गाड़ी पे लगी हुई थी क्या? लगी हुई थी जी। अजीतपुर से?